प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सहित कई तमाम प्रशासनिक अधिकारी अपनी जान पर खेलकर लोगों की सुरक्षा में तैनात है। वही दूसरी ओर रिश्ते तार तार होते नजर आ रहे हैं, जहाँ थोड़ी सी खास सुनी बात पर भतीजे ने अपने ही चाचा को चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला मल्लारगंज थाना क्षेत्र के अहिल्या पल्टन में रहने वाले एजाज नामक व्यक्ति की उसकी ही भतीजे शाहरुख ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घर में शादी समारोह चल रहा था। विदाई के बाद अचानक शाहरुख और एजाज में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट करना शुरू कर दी। तभी शाहरुख ने धारदार हथियार से अपने ही चाचा पर वार किया, जहां चाचा एजाज को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए एम्बा अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भिजवा दिया है। एजाज खान, एजाज नाम है इनका, मलार पल्टन 48/1, पंडित जी कृपा शंकर शुक्ला के सामने रहते हैं ये। इनका घरेलू कुछ विवाद हुआ था और बाहर आके इनके यहाँ पे चाकू मारा इन्होंने, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड जा चुका है इनका और अभी कंडीशन बहुत ख़राब बनी हुई है। यानी डॉक्टरों ने तो हाथ ऊँचे कर दिया कि आधे घंटे के अंदर अगर हम कुछ कर सके तो ठीक है, इनको कुछ गारंटी नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। अभी कुछ समय पहले कंट्रोल रूम को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि मल्लारगंज क्षेत्र में मल्लार पल्टन में एक विवाद हुआ है, जहाँ पर पास पड़ोस के रहने वाले चाचा भतीजे ही हैं, वो उनके बीच में विवाद हुआ है। उसको लेके कुछ चाकू वगैरह उनको लगे, जिसमें जो घायल है उसकी हालत गंभीर है, उसको भी ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। प्रकरण में अभी तक जो बात सामने आई है कि दोनों पक्ष अगल बगल रहते हैं और साथ ही बैठे हुए थे, वहीं पर किसी बात को लेकर ये चाकूबाजी घटना हुई है। इसमें अभी जो आरोपी है शाहरुख, वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।